आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो पिछले टेस्ट में आए थे, और मैं कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फोर चार्जेज आर अरेंज्ड इन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, है ना। तो एक स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके फोर कॉर्नर्स पर हमको ए बी सी डी एक चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पर ए दिया, यहाँ बी दिया, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी दिया हुआ है, और यहां पर हमको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, यहां पर माइनस टू क्यू चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर प्लस टू क्यू चार्ज दिया हुआ है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है सी पॉइंट पर। तो एस ऑन इन फिगर जो क्वेश्चन आ रहा होगा ना स्क्रीन पर, थोड़ा देखना ध्यान से। द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज, इसके सेंटर पर कोई एक पॉजिटिव, मान लेते हैं 1 कूलम्ब का चार्ज है, या फिर चलो ठीक है क्यू कूलम्ब का चार्ज है ना, हमको नहीं पता है कितना है, क्यू कूलम्ब का चार्ज हमने रख दिया है सेंटर पर, पूछ रहा है उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है और किधर की तरफ लग रहा है। बेसिकली यहाँ पर आंसर ही है सिर्फ किधर लग रहा है, हमें हम निकाल लेते हैं कितना भी लग रहा है ना। तो चलो ठीक है, एक एक करके स्टडी करते हैं, थोड़ा फास्ट देखना, अपने से भी ट्राई करो साथ में बनाने का। सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये प्लस वाले के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस साइड में, ये समझ में आ रही बात है ना, इस डायरेक्शन में एफ एक फोर्स लगा देगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव टू क्यू चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इवन यहां पर मैग्नीट्यूड 2 गुना हो चुका है इससे, तो ये जो फोर्स है इससे 2 गुना लगना चाहिए, है ना, यानी कि इधर की तरफ 2F फोर्स लग जाएगा। कितना लगेगा? 2F फोर्स लग जाएगा। अगर इसने इसके ऊपर F फोर्स लगाया है तो इस 2Q चार्ज ने उससे ऑब्वियसली डबल फोर्स लगाया, यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 2 गुना है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ बोले ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये माइनस वाला चार्ज इसको अपनी तरफ इधर खींच रहा होगा। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज अज्यूम कर लेते कि F फोर्स लगा रहा होगा, ये 2F फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि डबल चार्ज है, सिमिलर सिचुएशन यहां पर ही बन रहा है, तो -2Q चार्ज है, तो ये उसको अपनी तरफ डबल फोर्स से खींच रहा होगा। अब ऑब्जर्व कर लो, आंसर तो साफ दिख रहा होगा यहां पर, ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पर हम लोग इस पॉइंट पर देखो तो 2F फोर्स इधर दिख रहा है और F फोर्स इधर दिख रहा है। सिमिलरली हमको एक F फोर्स इधर दिख रहा है और 2F फोर्स इधर दिख रहा है ना, तो 2F में से एक F तो खत्म हो गया, तो कितना बचेगा? ये वेक्टर सम हो रहा है ना इन दोनों का, तो वेक्टोरियली इन दोनों का देखो 2F इधर ये और ये F इधर है, तो नेट कितना कितना बनेगा? F इधर बनेगा। अगर हम उस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो हमको F इधर दिखेगा, और सिमिलरली 2F में से एक F खत्म हो गया तो एक F इधर दिखेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर ही आना चाहिए। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2F cos थीटा अपॉन 2, ये पढ़े थे ना, 2F अगर दो वेक्टर अगर सिमिलर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? 2F cos थीटा बाय 2, अगर वेक्टर सम करते हैं तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आ जाता है, इज इट ओके, अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो अब ऑब्जर्व करो कि इन दोनों के बीच में एंगल है कितना, इन दोनों के बीच एंगल यही है और इन दोनों के बीच में एंगल यही है, और ये डायगोनल्स जहां पर कटते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री पर कटते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू कितना आ जाएगा, 2F cos 90 अपॉन 2, तो 2F के जगह पे कितना आएगा? मान लेते हैं ये लेंथ हमारा L है, तो ये L रूट 2 हो जाएगा पूरा का पूरा लेंथ, और ये हो जाएगा L रूट 2 का आधा, है ना, एल रूट टू का आधा, यानी हो गया एल अपॉन रूट टू, ये इसका लेंथ हो गया। तो क्या कर सकते हैं, 2KQ है ना, एफ किसका था, इसी कारण था हमने स्क्वायर दिया था, 2KQ और इनटू फिर यहां पर भी कोई मान लेते हैं, अच्छा प्लस क्यू गलती से लिखते, इसको कैपिटल क्यू ले लो क्योंकि कोई रैंडम सा चार्ज के बारे में बात कर रहा था, तो कैपिटल क्यू अपॉन एल अपॉन रूट टू इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 क्या होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया 2 2 4, यानी बेसिकली हो गया 2√2 KQQ / L² दैट्स योर F,
अलोंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, इस डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? पूछ रहा है जीरो तो नहीं, साफ दिख रहा है जीरो तो नहीं है, अलोंग डायगोनल एसी, डायगोनल एसी की तरफ तो नहीं दिख रहा है हमको, है ना, हमको दिख रहा है इस डायरेक्शन में, तो डायगोनल अलोंग बीडी ये भी नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, हाँ देखो ए बी साइड के परपेंडिकुलर बन तो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, कॉपी कर लो। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर, कह रहे हेक्सागोन है, ठीक है, इस तरह से हेक्सागोन दिया हुआ है, और यहां पर हमको दिया है Q, यहां पर दिया है 2Q, इज दैट ओके, यहां पर दिया है माइनस में 2Q, और यहां पर दिया है माइनस में Q, और ये हो गया हमारा 3Q, इज दैट ओके, और सॉरी यहां पर भी दिया है माइनस में 2Q, तो बोल रहे सिक्स चार्ज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, सिक्स चार्जेस दिख रहे हैं, सारे सारे रेगुलर हेक्सागोन है जिनका की साइड लेंथ एज्यूम कर लेते हैं एल है, ठीक है, तो सारे लेंथ एल हो जाएंगे, हेक्सागोन में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पता कर लो, है ना, हेक्सागोन अगर होता है कहीं पर भी अगर हेक्सागोन वगैरह दे दे तो कुछ ऐसा ही हेक्सागोन बना लेंगे, और हेक्सागोन अगर रेगुलर हो तो अगर ये एल है तो सारे लेंथ एल होते हैं, ठीक है, और सेंटर मान लेते हैं ये, तो यहां से अगर मिला लेंगे ये भी, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसके बीच में एंगल 60 डिग्री बनता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है, हम देखते अब आगे इसको इरेज कर, अब पूछ रहा है यहां पर फोर्स, सॉरी इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर एक नेगेटिव चार्ज ई रख दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हमने सेंटर पर रख दिया, उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा हमको ये बताओ, तो पहला तो ऑप्शन ये कह रहा है कि जीरो लगेगा, तो जीरो तो साफ देख लेते हैं लगेगा नहीं लगेगा, है ना, तो चलो ठीक, एक अगर बात करते हैं, ये नेगेटिव वाला के ऊपर फोर्स लगाएगा तो अवे लगाएगा क्योंकि रिपल्सिव टाइप का फोर्स आ जाएगा, है ना, इसके बारे में बात कर रहे थे, अब ये प्लस वाला देखो इस Q के कारण हम F कर रहे हैं, ये 3Q है तो 3F लगेगा इधर की तरफ, देखो Q Q के अरेंजमेंट से हमको F फोर्स दिख रहा है अगर, तो 3Q है यहां पर, तो 3 टाइम्स ऑफ F लग जाएगा, अट्रैक्टिव इन नेचर वाला हो जाएगा यहां पर, अच्छा ये वाला तो कॉम्बिनेशन ही खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो ये माइनस वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये माइनस वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस, ये इधर का तो डिस्कशन करने से फायदा है नहीं, इधर ओके, अब चलो इधर की तरफ बात करते हैं, ये 2Q वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा इसको, देखो ये 2Q वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा इसको कितना फोर्स से, 2F फोर्स से, और ये Q वाला भी अपनी तरफ इधर खींच रहा होगा कितना F फोर्स से, तो बेसिकली हमको यही तीन चार अरेंजमेंट यहां पर दिखा, ठीक है, क्या क्या दिखा आपको, एक तो हमको दिखा इस साइड में 3F, एक दिख रहा है हमको इधर की तरफ F, और हमको इधर दिख रहा है 3F, ऑब्जर्व करोगे 3F में से एक F खत्म हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर ही बनने वाला है सिर्फ 2F, और इधर की तरफ बनने वाला है 3F, अब इसका अगर ये 3F है तो बड़ा होगा, है ना, 3F है तो इस 2F से तो बड़ा मैग्नीट्यूड का बनेगा, अब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, कहीं ना कहीं इस तरह से आना चाहिए, तो इस तरह से ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, है ना, F रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, तो F रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इस, देखो इधर तो नहीं आने वाला, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता, ये 3F है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 3F में से एक F घटा दोगे तो 2F उधर ही बचेगा, वही 2F हम इधर बना दिए, और F और 2F जोड़ देंगे तो हमारा 3F इधर बनेगा, अब साफ है कि अगर ये रिजल्ट ये दोनों इक्वल होता तब बीचों बीच होता फोर्स ऐसे, लेकिन इधर की तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इधर की तरफ रिजल्टेंट चला आएगा, तो रिजल्टेंट के बारे में जो ऑप्शन आ रहा है तो जीरो तो नहीं साफ दिख रहा है, जीरो है, अलोंग OF अलोंग OC कोई ऑप्शन ही नहीं है, है ना, ऐसा तो बनेगा ही नहीं, ये तो मतलब किसी एक रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है ना, रैंडम नहीं मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और इधर है आई थिंक OD और O, अच्छा ये कोई C पॉइंट है, सॉरी यहां पर नहीं दिख रहा होगा, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है ना, तो OC और OD के बीच में कहीं पर इधर की तरफ रिजल्टेंट हमको दिख रहा है, ठीक है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्ज है Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, दो इक्वल चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है, यहां पर कोई प्लस Q चार्ज है
और यहां पर भी कोई प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में कहीं पर एक क्यू चार्ज को रखा गया है। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू, कह रहा है कि हमने क्यू चार्ज को रखा है इसके बीच में, जिससे कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ चुका है। हम पहले बता चुके थे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सबसे पहले तो हम नया चार्ज ढूंढने के लिए वो जगह पहले पता करते हैं जहां पर कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस दोनों के बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये कोई ना कोई एक्स डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ओ कह सकते हैं ना इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा इसके कारण के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर जो आ रहा है वो के क्यू अपॉन डी माइनस में एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो हमको मिलेगा एक्स का वैल्यू डी अपॉन टू, जो हमें पता भी है कि अगर दो इक्वल चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट मिड वे पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है। तो हम कहीं ना कहीं जो एक नया रैंडम चार्ज हम पुट करेंगे, यहां पर प्लस क्यू दिख रहा था, यहां पर एक प्लस क्यू दिख रहा था, तो उस रैंडम चार्ज को हम यहां पर रखेंगे और वो चार्ज निगेटिव कैरेक्टर का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सोच के देखो, अगर हम नहीं रखे तब क्या होगा, ये प्लस वाले को रिपेल कर रहा होगा, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल कर रहा होगा, इस दोनों को बाइंड करके रखने के लिए हमको यहाँ पर कोई ना कोई निगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, जिसके कारण ये निगेटिव चार्ज इसको भी खींच ले, इसको भी खींच ले, तो ये नेट फोर्स इस पर लगने वाला जो भी नेट फोर्स है वो जीरो आ जाएगा। इस पर नेट फोर्स लगा कौन बन रहा है, ये चार्ज है और ये चार्ज। इस पर अगर हम बात करेंगे फोर्स की तो ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा, ये प्लस वाला इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा एफ वन कह देते हैं, और इस पर फोर्स लगाएगा निगेटिव वाला अपनी तरफ ऐसे, है ना, इसको हम कह देते हैं एफ टू। और ये दोनों अगर फोर्स लगने के बावजूद अगर ये नहीं मूव कर रहा है तभी ना कहीं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा, एफ वन का वैल्यू एफ टू के बराबर हो जाएगा। और F1 कौन लगा रहा था, ये लगा रहा था रिपल्सिव फोर्स, तो K Q Q अपॉन D का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 कौन लगा रहा था, ये दोनों लगा रहा था, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है D और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया अभी तुरंत निकाले D बाय 2। तो इस दोनों के लिए क्या बात करेंगे, K Q माइनस Q तो यूज नहीं करेंगे यहां पर, D अपॉन 2 का होल स्क्वायर, के क्यू से के क्यू खत्म हो गया, स्मॉल क्यू का वैल्यू साफ दिख रहा है, कैपिटल क्यू अपॉन फोर निगेटिव में आ जाएगा क्योंकि क्यू रहना भी चाहिए निगेटिव में, ठीक है, वो हमने ऑब्जर्व करके देखा ना, ये माइनस ही होना चाहिए, प्लस रखेंगे तो और भगा देगा वो, है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सी करेक्ट, सॉरी सी नहीं बी 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 है हमारा करेक्ट आंसर। तो अगला जो सवाल दिख रहा है हमको यहाँ पर दिख रहा है, टू फ्री पॉजिटिव चार्जेस फोर क्यू एंड क्यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर अपार्ट, ठीक है, तो एक चार्ज हमको यहाँ दिख रहा है प्लस फोर क्यू और एक चार्ज दिख रहा है यहाँ पर प्लस में क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वन मीटर अपार्ट, है ना। और पहले तो सबसे पहले यही पता कर लेते इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा, हम जानते हैं कि जो छोटा वाला चार्ज होता है उसी के अगल बगल में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, और प्लस प्लस रहेगा तो बीच में होगा और अगर निगेटिव होगा तो अब ये साइड होता है, और एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के फोर क्यू अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो के क्यू से के क्यू खत्म हो गया, यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लो यहां से वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स का स्क्वायर, वन माइनस एक्स इक्वल टू टू एक्स, एक्स का वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा हमारे, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 3, तो ये हो गया हमारे पास 2 अपॉन 3। खैर अब कह रहे हैं कि हमको यहां पर एक माइनस एक क्यू चार्ज रखो जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो कहां पर रखोगे चार्ज, तो हमको पता है कि चार्ज जहां पर रखते हैं वो यही होता है वैल्यू क्यू, और ये होना चाहिए निगेटिव, क्यों निगेटिव होना चाहिए अभी तुरंत तो पता है पीछे वाले, क्योंकि ये प्लस वाले को रिपेल कर रहा होगा, इसको खींचने के लिए निगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है तुम लोग को पता रहना चाहिए। खैर अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसका वैल्यू है के फोर क्यू अप इनटू क्यू अपॉन, यहां से तक का डिस्टेंस कितना है वन है,
यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के, इसके कारण ये निगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो के 4q इंटू कैपिटल क्यू अट्रैक्टिव टाइप का होगा अपॉन 2/3 का होल स्क्वायर, तो के 4q से के 4q खत्म हो गया और हमको निकालना है कैपिटल क्यू, तो यहां से आ गया हमारे पास 4q अपॉन 9 इज इक्वल टू क्यू नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि 4q जो है अपॉन 9 हमारा ऑप्शन दिख रहा है नेगेटिव एट l बाय 3 है ना, इट शुड बी l बाय 3 ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 4q बाय 9 नेगेटिव एट l बाय 3 यानी 1/3, इज इट ओके। इस सवाल में तुम लोग क्या दिक्कत हुआ जी, कह रहे कि नॉर्मल केसेस थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर बेंड टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज रॉड, तो कह रहे कि टैप है ठीक है और इसमें से पानी स्ट्रीम लाइन फ्लो से गुजर रहा है, इसमें हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए हैं, तो सीधा सा बात इंडक्शन होगा, निगेटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, तो प्लस और माइनस के यहाँ पर प्लस चार्ज आने लगेंगे अपने आप इंडक्शन के कारण, तो इसके पीछे क्या होगा इंट्रैक्शन होगा, जिसके कारण से यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो बेंड टुवर्ड द रोड हो जाएगा, सीधी सी आंसर थी। अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो भी प्लस माइनस अट्रैक्ट ही करेगा, ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा, तो ऑलवेज बेंड टुवर्ड है ना द रोड, सिंपल था ठीक है। इस सवाल को थोड़ा क्या बोले तुम लोग, इतना सारा सवाल बनाए थे, ये वाला सवाल तो बनना चाहिए था तुम लोग से ठीक है। एक रॉड दिख रहा है, यहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जबकि इसने ये डिस्टेंस देकर रखा है डी ठीक है, और इधर का जो एंगल देकर रखा है इसने 30 डिग्री देकर रखा है, That's it. This is your question. हमको पता है एक रॉड अगर होता है उसके किसी जगह पर अगर हम मान ले ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां पर कितना होता है के लेमडा अपॉन आर, मतलब बेसिकली ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा होता है, और पैरेलल डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस में अल्फा कॉस अल्फा, पढ़े सिमिलर सा केस यहां पर ना, सिर्फ बीटा दिया अल्फा दिया ही नहीं है, तो निकाल लो एक तो पैरेलल कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा यहां पर, ये समझ में आएगा ना, ये तो सबको पता होगा, कॉपी में छाप लेना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड इतना होता है, बगल में नोट करके लिख लेना। तो अगर हम देखें एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ई परपेंडिकुलर, वो क्या जाएगा के लेमडा अपॉन आर की जगह पर डी लिखेंगे साइन अल्फा, तो है नहीं साइन बीटा है सिर्फ साइन 30 डिग्री लिख लेंगे, तो ये के लेमडा अपॉन 2d परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और पैरेलल डायरेक्शन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से के लेमडा अपॉन डी कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा, तो कॉस 30 डिग्री माइनस में कॉस 0 डिग्री, यहां से हो गया के लेमडा अपॉन डी कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है कॉस 30 रूट 3/2 और माइनस में 1 है ना, ये हो गया ई पैरेलल हो गया, और यहां से हो गया हमारे पास ई परपेंडिकुलर, इतना आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो साफ दिख रहा है कि परपेंडिकुलर वाला इधर की तरफ दिख रहा है हमको और पैरेलल वाला हमको इधर दिख रहा है ठीक है। देखो रूट 3/2 करोगे 1.732 नहीं नीचे दिख रहे जी ओके हाँ नीचे, अरे गड़बड़ कर दी, ये 30 डिग्री नहीं है ये 60 डिग्री है ठीक है, क्योंकि ये 30 डिग्री दिया हुआ है ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ माइनस में 1, ये हो जाएगा निगेटिव, इतना आ रहा है देखो ये निगेटिव में आ रहा है ना, तो माइनस में के लेमडा अपॉन डी यानी कि निगेटिव आने वाला इधर नहीं होकर के ऊपर होगा, तो ऊपर आ रहा था, ये हो गया हमारे पास के लेमडा अपॉन डी, इधर भी हो गया के लेमडा अपॉन 2d,
तो अगर हम देखें कि रिजल्टेंट कितना बनेगा, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर ही बनने वाला है। तो अगर हम रिजल्टेंट थोड़ा ध्यान से देखें वो इधर ही बनेगा, और ये है हमारे पास के लेमडा अपॉन टू डी और ये के लेमडा अपॉन डी है। और अगर हम ये थीटा निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इज गेटिंग एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, के लेमडा अपॉन डी, और यहां से आ रहा है के लेमडा अपॉन टू डी, तो बेसिकली आ रहा है टू। ठीक है, टू आ रहा है ऑप्शन में, तो यहां पर 45 डिग्री दिख रहा था। क्यों आ रहा है टू जी, क्योंकि यहां पर हाफ में से वन घटता है, सिर्फ डी नहीं होता बाय टू होता है। क्या तुम लोग का हमसे बर्बाद करवा रहे हो जी, है ना। तो बाय टू आ जाएगा, बाय टू आ जाएगा तो ये वन हो जाएगा, वन होगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्रीज, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है। अरे सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है इसको डील कर लेना है, जल्दी से छापो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी छापो फिर इसको। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो, एक सिंपल सवाल है और सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ये, ठीक है, जो कि 45 डिग्री पर टिल्टेड हमको दिख रहा है, और कह रहा है क्यू पॉइंट पर, वहां पर क्यू, व्हाट इज द रिलेटिव फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू। हाँ, तो क्यू पॉइंट पर रिलेटिव फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, क्यू चार्ज नहीं है वहां पर, क्यू पॉइंट है उस जगह पर रिलेटिव फील्ड निकालना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। रॉड यही है, उसके कारण इसने बोला यहां पर रिलेटिव फील्ड बता के दिखाओ क्यू पॉइंट पर, जबकि ये एंगल वगैरह पोजीशन दिया 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, बेसिकली परपेंडिकुलर ही है, होना भी चाहिए। अगर ये 48 डिग्री दे, 45 45 होना चाहिए, और ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, एक ऐसा सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इधर इंफिनिटी तक जा। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होता था, याद है सेमी इनफाइनाइट लेमडा, एक सेमी इनफाइनाइट वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना बनता था, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर और पैरेलल डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर, है ना, अवे साइड पे। तो अगर ये रॉड ऐसे हो जाएगा तो के लेमडा बाय आर ऐसे हो जाएगा, के लेमडा बाय आर ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम इस जगह पे बात कर रहे हैं तो यहां पर की पॉइंट पर कैसे आ जाएगा, एक तो इधर की तरफ आएगा के लेमडा अपॉन आर, और एक इधर की तरफ आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर, इज इट ओके। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इन दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, के लेमडा अपॉन आर का रूट टू इन जे डायरेक्शन में निगेटिव में, दैट्स योर आंसर। ठीक है, के लेमडा अपॉन आर, हाँ अगर के हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो के डायरेक्शन 1/4 πε₀ लेमडा √2/r जे कैप निगेटिव में, और यहां से आ गया लेमडा अपॉन 2√2 πε₀r निगेटिव ऑफ जे कैप, दैट्स आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, बस तुम लोग को बस एक ऐसे क्वेश्चन से डर नहीं लगे, इसलिए हम बस बना दे रहे हैं तुम लोग को, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है जेई में, आई थिंक 2015 में आ चुका है। ठीक है, तीन प्लेट दिया हुआ और ये निगेटिव ऑफ सिग्मा दिया हुआ, यहां पर माइनस में 2 σ दिया हुआ, यहां पर सिग्मा दिया हुआ, और इसने फालतू में कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह देके रखे हैं, जेड का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू a, जेड का वैल्यू 3 है, वो हमारे किसी काम का है नहीं, और पूछ रहा है किसी पी पॉइंट पर यहाँ पर रिलेटिव फील्ड बताओ। तो हमको पता है कि इस निगेटिव वाला रिलेटिव फील्ड किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ, कितना होता है प्लेट कारण सिग्मा अपॉन 2 ε₀ होता है, तो ये निगेटिव कारण इधर की तरफ आ जाएगा, और ये प्लस वाले कारण अवे बनता है वो भी इधर ही आ जाएगा, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आने वाला है पी पॉइंट पर, इसी पी पॉइंट पूछ रहा था, तो तीनों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसके कारण कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 ε₀ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस में, इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सिग्मा है 2 σ, तो क्या लिखेंगे 2 σ/2 ε₀, इस पर सिग्मा है तो प्लस में सिग्मा अपॉन 2 ε₀, कितना हो गया 4 σ/2 ε₀, तो बेसिकली हो गया 2 σ/2 ε₀, दैट्स द आंसर, और हो गया निगेटिव ऑफ के डायरेक्शन में हो गया निगेटिव, ये जेड है, ये जेड एक्सिस बता रहा है, तो निगेटिव ऑफ
के बोल गया, ठीक है। यहां पर जो जेड का वैल्यू था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पढ़े भी थे सीट के कारण, पढ़ ही रहे लगातार पढ़ रहे, तो इस कारण सीट के अगल बगल में, ठीक है, यानी कि सीट बहुत लंबा है, तो इस पर उसका जो आता है सिग्मा, इसमें डी वगैरह आ ही नहीं रहा, ठीक है। अरे सुन, चलो सबसे पहले देखते हैं कि इनफिनाइट यूनिफॉर्म चार्ज सीट है यहां पर दिया हुआ है ना, और एक स्फेयर यहां पर ऐसे बनाया गया है, और इससे ऊपर एक सीट पास कर रहा है, सीट है ये, दिख रहा है, दिख रहा है यहां पर सीट, ये स्फेयर मान लो, ये स्फेयर है, इसमें से एक सीट को पास करवाया गया कुछ इस तरह से, दिख रहा हो, ठीक है। तो जो हिस्सा इसमें घुसा हुआ है वो सर्कुलर टाइप का हो गया, इमेजिन करना, ये नहीं समझ में आ रहा, देखो ध्यान से, अगर हम ये कहते हैं कि ये सीट है हमारे पास, दिख रहा है ना, और इसको एज्यूम करना कि गेंद में ऐसे करके डाल देना, ठीक है। तो गेंद का, गेंद में जब ऐसे करके, ये सपोज करो कि स्फेयर है, स्फेयर पे ऐसे करके जाएगा अंदर, ठीक है ना, स्फेयर में ये ऐसे करके अंदर जाएगा, तो कौन सा हिस्सा अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं सर्कुलर पाथ ही अंदर में रह जाएगा, अरे बस सर्कुलर पाथ ही अंदर, सर्कुलर पोर्शन अंदर में रहेगा, है ना, इस तरह का, ये जो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा अंदर में, रॉड नहीं है ये, सीट है, सीट अगर अंदर जाएगा तो ये सर्कुलर पोर्शन हमारा अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं सर्कुलर पोर्शन इस तरह का बनेगा जिसका रेडियस कुछ होना है, इसने इसका रेडियस मान लेते स्मॉल आ रहा है, और सेंटर से ये एक्स बोल के रखा है, इसका कैपिटल आर है दिया हुआ है ना पिक्चर में दिया हुआ, ये अगर एक्स है ये आर है तो स्मॉल आर मान लेते हैं, तो हमको बेसिकली स्मॉल आर निकालना पड़ेगा, स्मॉल आर का वैल्यू क्या जाएगा, इसमें इसको हटाना पड़ेगा, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर, तो हमको निकालना है बेसिकली इसके अंदर से कितना फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स के लिए हमको निकालना था चार्ज कितना इंक्लोज है, एप्सिलॉन जीरो कर लो मेरा काम बन गया, ठीक है। इसके अंदर में जो हमारे पास सिग्मा चार्ज दिया हुआ है ना, तो सिग्मा है इसका पूरे सीट के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हमको इसका अगर एरिया पता चल जाए तो हम क्यू नहीं निकाल सकते, तो क्यू जो इंक्लोज होगा सिग्मा इंटू एरिया इन साइड, जो अंदर में एरिया बन रहा है, तो सिग्मा तो ठीक है, एरिया क्या पाया उसका सिंपल है, और अगर हमको फ्लक्स लिखना है क्या क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू इनक्लोज क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू पाई आर का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दैट्स द आंसर। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है एक रिंग है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, एक एनिमेशन आ भी रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से उसको इमेजिन करने का भी कोशिश करना है, एक रिंग है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, एक रिंग है, ठीक है, और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, moves toward the solid imaginary sphere of radius r by 2, ये एक sphere की तरफ बढ़ रहा है ना, ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ते 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 जा रहा है पास कर जाएगा, आया आया पास करते, तो कह रहा है so that the center of the ring passes through the center of the sphere, इसका center of the ring जो है वो center of the sphere से पास करेगी, इसी line पे ये मूव करते जा रहा है, ठीक है, एनिमेशन में बड़ा चीज दिख रहा होगा ना, ये आ रहा है ऐसे करके, तो यहां पर कह रहा था एक्सिस ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द रिंग, ये सारा चीज है कचरा, ठीक है, द मैक्सिमम फ्लक्स पासेस थ्रू द स्फीयर इन द प्रोसेस, कह रहा है इससे जब ये पास कर रहा होगा तब मैक्सिमम फ्लक्स कब बनेगा, इमेजिन करो जब ये यहां पर आ जाएगा ऐसे करके स्फीयर रहेगा, इतना सा ना चार्ज अंदर में रहेगा तो कोई फ्लक्स तो बनने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा सा और अंदर घुसेगा, इतना बड़ा लेंथ घुसेगा तो ज्यादा चार्ज घुसा तो ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा, है ना, तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, q enclosed upon epsilon zero, इसके लिए q enclosed हमको मैक्सिमम करवाना पड़ेगा, मैक्सिमम कब होगा जबकि ये पूरा पूरी बीचों बीच है ना, इस जगह से पास कर जाए, मैक्सिमम चार्ज घुसेगा उसका तो घटती चल जाएगा ना, यहां पर पहुंचेगा फिर देखो छोटा हो गया और छोटा हो गया, अरे बस मैं, तो मैक्सिमम कब होगा जब ये इसके डायगोनल पॉइंट को कट कर रहा होगा, इज इट ओके, तो अगर हम फिर से अगर पिक्चर दिखा दें, ये स्फीयर था डायगोनल यही है और यहां से होकर कैसे करके ये पास कर रहा है, इस पर
ठीक है, ये सेंटर दिख रहा है और इसका रेडियस इसने आर बोल के रखा, ये भी आर हो गया और इसका रेडियस इसने कहा था आर बाय टू है, ये लेंथ क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आर। अब ये देखो ये तीनों का तीनों इक्विलेटरल एंगल हो गया, ये क्या हो गया पाई बाय थ्री एंगल हो गया 60 डिग्री। ओके, तो हमारे पास क्यू इनक्लोज कितना हो गया, यही ना, इतना सा ही ना हमारे पास इनक्लोज चार्ज है। इसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, आर्क का लेंथ, क्या निकालना पड़ेगा आर्क लेंथ। क्योंकि देखो ये है हमारा चार्ज इनक्लोज्ड, इसमें है चार्ज, इसमें नहीं है चार्ज, इसमें, तो हमको क्यू इनक्लोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्क लेंथ निकालना पड़ेगा। और आर्क लेंथ बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा, आर थीटा कितना है पाई बाय थ्री, ये लेंथ निकल गया तो क्यू इनक्लोज हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ, तो आर पाई बाय थ्री अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दैट्स द आंसर, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दैट्स इट। इस अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल है जिसका ये रेडियस आर दिया हुआ है, एक चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, कैरीज अ यूनिफॉर्म, इसके ऊपर जो चार्ज है वो सिग्मा पर यूनिट एरिया का चार्ज दिया हुआ है, इट इज मेड ऑफ टू सेपरेट हेमिस्फेरिकल सेल्स, है ना, ये दो हेमिस्फेरिकल सेल्स से बना हुआ है। दोस्ती याद आया लास्ट क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे क्या था सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ये ना था प्रेशर, है ना, कुछ आने वाला है क्या, क्योंकि देखो दो स्फीयर को कहीं ना कहीं काट करके जोड़ रहे हैं ना, हेल्ड टुगेदर बाय प्रेसिंग देम विद फोर्स पी एफ, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, ये ना पढ़े थे एरिया प्रोजेक्टेड, तो क्या हो जाएगा प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, एरिया प्रोजेक्टेड क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, इसका इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा पाई स्क्वायर, पढ़े थे ना, हो गया आंसर। अच्छा सॉरी, बोल रहे फोर्स प्रोपोर्शनल किसका है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल साफ दिख रहा है सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर का, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो वैसे फोर्स होगा कितना वो तो पता है, अब प्रोपोर्शनल कितना होगी ये भी पता चल गया, ठीक है, कॉपी कर लो। तो हम लोग पढ़े हुए थे थॉमसन मॉडल, है ना, याद है थॉमसन मॉडल क्या था, क्या कहा था उसने कि हमारे पास एक न्यूक्लियस, सॉरी एटम जो है वो पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के रूप में होता है, ये ना कहा था उसने, और इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं, ये ना कहा था, पूरा जो स्फीयर होता है तरबूजे की तरह होता है, पॉजिटिवली चार्ज तरबूजा, और उसके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं। तो इसने कहा है यहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है, ये भी वही सवाल है उस लेवल का, कि एक यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर भी निगेटिव क्यू चार्ज दिख रहा है, उन्होंने भी जस्टिफाई किया होगा अपने थ्योरी के लिए, उसी थ्योरी का एक हिस्सा ये भी है, क्योंकि उस समय उस थ्योरी को मान्यता तो मिला था। तो कह रहा है कि इसके बीच में क्या इक्विलिब्रियम सेपरेशन हो जिससे कि ये रुका हुआ रह जाए, है ना, इनके बीच में इसने डी भी डिस्टेंस दे के रखा है सेंटर से इधर, और ये भी डिस्टेंस डी है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और इस थ्योरी को पहले देख लो ध्यान से इस पूरे सवाल को, इसके बाद एक और सवाल करेंगे वो जो कि जेई में आ चुका है 2019 में आ चुका है, ठीक है, मेन में आया है और बहुत खूबसूरत सवाल है, मेरा पसंदीदा सवाल है, तो ध्यान समझना पहले इसको ध्यान से। पहली बात तो ये है इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है, यानी कि यह चार्ज कहीं मूव नहीं कर रहा है, ये ना तो स्फीयर मूव कर रहा है ना चार्ज मूव कर रहा है, पहली बात तो समझना क्या, यानी कि नेट फोर्स जीरो होना है, अगर कभी बोला जाए इक्विलिब्रियम है तो बोला नेट फोर्स जीरो है, दैट्स इट, इतना से ज्यादा क्या मतलब है हमको, कुछ नहीं सोचना। तो कर अब ये नेट फोर्स लगा रहा हो कोई, तभी ना हम जीरो करवाएंगे उसको, तो नेट फोर्स लगा कौन रहा होगा, तो चलो देखो ध्यान से पढ़े, ये निगेटिव चार्ज क्यों है क्या, और ये भी निगेटिव चार्ज है, ये माइनस वाला एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, है ना, तो ये वाला बोल रहा होगा तुम इधर जाओ, ये चल जाएगा, अरे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मुंह देखेगा बैठे बैठे, ये भी तो बोलेगा निगेटिव वाला बोलेगा प्लस वाले को खींचेगा, कैसे खींचेगा, ये किसी डिस्टेंस डी पर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम वो निकाल लेते हैं, अरे उसमें डी डिस्टेंस पर इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है ना, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना बढ़ेगा उतना इंटू ई कर देंगे तो मेरा फोर्स निकल जाएगा, जो कि अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ फोर्स क्या ई हो जाएगा, और अगर हम ये कह दें कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में कितना होता है, क्या पढ़े थे, के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब,
या फिर रो एक्स अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो, या फिर रो आर पढ़े थे तो ठीक है आर ही पढ़े थे, ये यूज कर लेंगे हम लोग। ये वाला यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसका इसका जो नेट चार्ज है वो हमको दिया हुआ है प्लस टू ई, कितना दिया हुआ प्लस टू ई दिया हुआ, तो हम चार्ज वाला यूज करेंगे यहां पर, ठीक है ये वाला यूज नहीं करेंगे। तो हमको यहां पर पता चल गया कि फॉर इक्विलिब्रियम, नहीं समझ रहा फिर सुनो, इक्विलिब्रियम क्यों आएगा कि ये निगेटिव वाला इस निगेटिव वाले चार्ज को बोलेगा तुम उधर जाओ, इस निगेटिव वाले को यह पॉजिटिव स्फीयर अपनी तरफ खींचेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा, यहां पर रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर हम कह दें कि ये रिपल्सिव फोर्स इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जीरो आता है तो मेरा काम बन जाएगा, और एक स्फीयर के अंदर में कहीं पर भी यहां पर अगर हम चार्ज रख दिए इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है हर जगह पे, यहां पर जीरो होता है यहां पर कुछ और होता है, देखो हर जगह पर आर आर होता है, तो यहां पर किसी आग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये निगेटिव चार्ज है फोर्स अंदर की तरफ लगेगा फोर्स है ई, ठीक है तो ये करना है हमको। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या बोलेंगे, ई ई जो है वो हमारा एफ के बराबर हो जाएगा, ई ई क्या हो जाएगा के क्यू आर बाय आर का क्यू, के क्यू है हमारे पास टू क्यू यानी टू ई, और आर यहां से देखा डिस्टेंस डी है अपॉन आर का क्यू, और फोर्स कितना लग रहा है फोर्स के इतना ही टू इतना ई स्क्वायर अपॉन टू डी का होल स्क्वायर, इधर ओके यहां से आके के खत्म, ई से ई खत्म हो गया और एक और ई खत्म हो गया, पूरा ही खत्म हो गया, यहां से बच गया हमारे पास 2d इंटू फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर का क्यूब, तो r बराबर क्या हो गया 2d, ठीक है तो d का वैल्यू क्या हो गया r बाय टू, दैट्स योर आंसर, d का वैल्यू r बाय टू जो ऑप्शन b में दिख रहा होगा। कॉपी कर लो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार है जो कि पूछा गया है। तो ये सवाल है और जो अभी पीछे सवाल के दोनों एक्सैक्टली सेम है, दोनों फर्क सिर्फ इतना है कि अभी जो थॉमसन का मॉडल में जो चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बस इतना ही है कि इसमें जो डेंसिटी दिया है वो हमको दे दिया है के आर, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिपेंड कर गया है, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि हमारे पास क्या क्या पिक्चर है फिर से देख लो, इसके ऊपर फिर से उसी तरह का कंडीशन बनाया गया, इसके ऊपर टोटल चार्ज 2q है, पंद्रह 2e है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसके r रेडियस में ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। हम पहला नंबर में यहीं पर सवाल रोक करके हमें काम कर सकते हैं कि इसके पास हमको अगर डेंसिटी पता है और इसने बोल के रखा है नेट चार्ज 2q है, तो कहीं ना कहीं इसका नेट चार्ज 2q हमको लाना पड़ेगा, ठीक है तो वो हम लाते हैं, हमें काम करते हैं। अच्छा एक और बात देख लेते हैं क्या है इसका मतलब, r का वैल्यू अगर जीरो होगा डेंसिटी जीरो होगा यानी कि सेंटर पर चार्ज नहीं है, और जैसे r बढ़ते जाएगा तो चार्ज बढ़ते जाएगा, यानी कि सरफेस पर मैक्सिमम चार्ज है और बीच में कहीं कहीं मतलब यहां से बढ़ते जा रहा है बढ़ते मैक्सिमम चार्ज हो चुका है, ठीक है यानी कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटा छोटा जगह पे ना किसी जगह r डिस्टेंस पर हम जाते हैं और dr सेक्शन काटते हैं और इसका हम निकालते हैं छोटा सा डी क्यू और उसको पकड़ कर जोड़ देंगे यहां से करके यहां तक, ठीक है। तो नेट चार्ज जो कि हमारा 2q है, तो हमको पता है जो डी क्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, चार्ज जो आएगा वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं समझा, तो चार्ज पर जो ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से dq का वैल्यू क्या आ जाएगा रो इंटू dv, रो का वैल्यू क्या है kr इंटू dv क्या हो जाएगा इसका टू, सॉरी ये जो ऐसे स्फीयर बनेगा इस तरह से करके
इसका स्क्वायर कब क्या हो जाएगा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर ये हो गया इसका नेट चार्ज सिर्फ इस स्फीयर का, स्फेरिकल सेल टाइप का, और इसको पकड़ के यहां से जोड़ देना है, तो यहां से निकल करके आ रहा है नेट चार्ज। तो डी क्यू का वैल्यू तो साफ दिख ही रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर में क्यू नेट जो आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रो, रो बेसिकली है यहां पर से के आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और आर का वैल्यू जीरो से लेकर के आपका आगे चलेगा। और सवाल ने बोल के रखा है कि जो नेट चार्ज है वो 2q है, यानी q नेट की जगह मान लीजिए 2q, तो 2q क्या हो जाएगा 4 पाई के बाहर आ गया और यहां से जाएगा r पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, तो 2q का वैल्यू हो गया यहां से 4 पाई के और r के पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम अपर लिमिट r पुट करेंगे दिया जाएगा हमारे पास रिजल्ट और 4 से 4 खत्म हो गया। तो Q का वैल्यू कितना आ रहा है ये भी देख लो ध्यान से, पाई के आर के पावर 4 अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो 2Q है वो तो इतना है और Q का वैल्यू इतना है, यानी कि Q का वैल्यू कितना आ गया हम इसको पहले लिख लेते हैं, पाई के आर बेस टू दी पावर 4 अपॉन 2, ठीक है, इसके अंदर में जो Q चार्ज है उसका डबल है 2Q ना, Q कितना है वो इतना हो गया, ठीक है। अब यहां से आगे पढ़ते सवाल, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू के आर दिया है, वेयर आर इज द सेंटर वगैरह सब ठीक है। अब यहां से बोल रहा है टू चार्जेस ए एंड बी ऑफ माइनस क्यू इच, ठीक है, हम पहले ये पिक्चर यहां से था कॉपी कर लो, एक दूसरा पिक्चर बनाते हैं, चलिए इसको भी करो, इसको कर ली कॉपी, हम इसको इरेज करते हैं, तो कह रहा है फिर से ये स्फीयर बना लिए, ठीक है, तो कह रहा है यहां पर कि दो चार्जेस हैं ए और बी माइनस क्यू इच आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, सिमिलर कहीं यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया और यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया इसी डिस्टेंस ए पर, कितना डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर रखा गया सेंटर से दोनों साइड, इधर भी ए इधर भी ए डिस्टेंस पर रखा गया, ठीक है, इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, वही फिर से सेम सवाल हो गया यार, ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, ये ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया यहां पर बी पॉइंट पर चार्ज रखा है, दोनों का दोनों नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है ये निगेटिव वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ऐसा सुन लें ये निगेटिव वाला इसको इधर इधर रिपेल कर रहा होगा, और यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा यहां पर इस पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही बन रहा होगा उतना इंटू इसका चार्ज अंदर की तरफ लग रहा होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, अरे बस बन गया, हम इसको इरेज कर रहे हैं वाले को, यहां पर कितना फोर्स लगेगा इससे ई बनेगा ना, सॉरी क्यू ई, अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर कितना होगा हमको यही नहीं पता, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमको ये नहीं पता, हम ये नहीं कर सकते के क्यू आर बाय आर का, क्योंकि वो तब था जबकि हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, इस बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ही नहीं, तो ये भी एक तो टेंशन है, तो हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ लगा लेते हैं, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम गॉस लॉ क्या बोलता है, ई वेक्टर डॉट ऑफ बी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड मतलब बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, बताया था अगर वेरिएशन होगा चार्ज का तब हम ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है, तो हमको ये इसके बारे में बात करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और डीए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर इस जगह पर, ये गॉसियन अगर सरफेस हम बना लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस अगर है ये, तो क्या सर 4 पाई आर सॉरी इसका जो एरिया बनेगा कितना बनेगा, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा ना, और आर की जगह ए लिख देंगे तो 4 पाई इंटू ए का स्क्वायर इक्वल टू डी क्यू, यानी इसके अंदर में चार्ज कितना है, ये सेंटर है ना, देखो सेंटर है, ठीक है, तो अगर हम बोले कि अगर एक स्फीयर ऐसे कुछ लिया हुआ है जिसका रेडियस ने ए दिया है ना, ए रेडियस, हम एक काम करते हैं किसी आर डिस्टेंस में जाकर फिर सेक्शन काटते हैं और इतना सा हम चार्ज निकालते हैं, इतना सा क्या चार्ज निकालना है हमको, अरे बस इसके अंदर में क्यू इनक्लोज कितना है, ए रेडियस में कितना चार्ज है इसका कैसे निकालेंगे, सिमिलरली डी क्यू को जोड़ना पड़ेगा, डी क्यू का इसके अंदर का चार्ज जोड़ेंगे कितना आएगा,
देखो डेंसिटी कितना था के आर इंटू 4πr² स्क्वायर इंटू डी आर, जीरो से अगर ए तक में इसका इंटीग्रेट कर देंगे बाय एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ये इसका नेट चार्ज हो गया। अरे सुन ये क्लियर हुआ? देखो टोटल तीन पिक्चर बन, एक पहले वाला, एक ये जिसमें सॉल्व होना अरे साइड से, ठीक है इसको हम इरेज करते हैं, कॉपी कर लेना। अब आगे बात करें, ई इक्वल टू हो जाएगा यहां से के बाहर आ गया, फोर पाई बाहर आ गया, एप्सिलॉन जीरो बाहर आ गया, आर पे पावर फोर बेसिकली ए पे पावर फोर अपॉन फोर हो गया, नीचे में आ गया यहां से फोर पाई ए स्क्वायर, ठीक है ई मैं समझ आया बात यहां से ई इंटू फोर पाई ए स्क्वायर यहां आ जाएगा ना, के फोर पाई बाहर आ जाएगा, के फोर पाई और यहां पर आर पावर फोर बाय फोर जीरो से लेकर ए तक में अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फोर पाई से फोर पाई खत्म हो गया, ई का वैल्यू कितना आ रहा है के ए पे पावर फोर अपॉन फोर, ए पे पावर फोर अपॉन फोर और नीचे में हो गया ए स्क्वायर, तो क्या हो गया यहां से के ए स्क्वायर अपॉन फोर, ये हो गया हमारे पास एप्सिलॉन जीरो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, क्या बोला था इसने कि भाई फोर्स नहीं लगना चाहिए, यानी क्यू ई तो आ गया, क्यू भी दिख रहा है हमको, अब फोर्स निकाल ही लेंगे, ठीक है। अब नाउ क्या बोलेंगे, क्यू ई जो है फोर्स के बराबर है, तो क्यू अच्छा क्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो पाई के आर पे पावर फोर अपॉन टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिख रहा है के ए स्क्वायर अपॉन फोर एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू क्या देगा के क्यू आर के नहीं यूज कर लेंगे वो वाला, ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं 1/4πε₀, ठीक है और क्यू क्यू फोर से दोनों लगा रहा है अपॉन टू ए का स्क्वायर, यानी कि देगा फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारे पास ओके क्यू क्यू बोला था, हम इस क्यू को क्यू को भी ऐसे लिख सकते हैं पाई के आर पे पावर फोर अपॉन टू इंटू पाई के आर पावर फोर अपॉन टू, ठीक है। देखो पाई के आर पावर फोर अपॉन टू खत्म हो गया यहां से, के भी एक खत्म हो जा रहा है और कुछ खत्म हुआ नहीं, ओके एप्सिलॉन जीरो भी खत्म हो रहा है और फोर भी खत्म हो रहा है, ठीक है और तो कुछ खत्म होता नहीं हुआ, चलो निकालते हैं। तो यहां से हमको क्या निकालना है, हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है ए निकालना है बेसिकली, चलो ठीक है टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन ए स्क्वायर दिख रहा है, सिक्सटीन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन टू टू जा फोर टू जा सिक्सटीन इधर आ गया, अब बाई टू यानी कि हो गया एट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर पावर फोर दिख रहा, ठीक है आर पावर फोर दिख रहा है हमको, ठीक है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर पावर फोर बाई एट, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर सॉरी एक बार फोर ही दिख रहा है वो यहां पर ए स्क्वायर भी दिख रहा था एक बार फोर ही दिख रहा है तो ए का वैल्यू हो गया ए एट बार वन बाय फोर, ठीक है आगे आंसर आर इंटू एट बार माइनस वन बाय फोर दैट्स द आंसर, ठीक है। ये था इस तरह का रिलेशन निकालना था, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमको लगा था, ये नीट में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए लेकिन आया है तो मजे तो आने चाहिए, ठीक है तो चलो कॉपी करो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है हैविंग सम मास इज रेस्टिंग इन द इक्विलिब्रियम एट हाइट h अबव द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल रिंग ऑफ रेडियस r, ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल विल बी स्टेबल, स्टेबल के बारे में बात कर रहा है ओके तो चलो एक करके बात करते हैं। कह रहा है क्या एक रिंग है यहां पर रखा हुआ, ठीक है जिसका रेडियस कुछ r दिया हुआ, ठीक और हमको पता है कि h हाइट पर इसने एक है ना, ये h हाइट है, यहां पर एक चार्ज्ड मास को रखा है जिसका मास m है, तो अर्थ क्या कर रहा होगा इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, कितना mg से खींच रहा होगा,
और ये रिंग जो है, क्योंकि ये भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये प्लस वाले को प्लस और ऊपर की तरफ धकेल रहा होगा, तो एक फोर्स लगा रहा होगा एफ, है ना। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम में है, तो कह रहा है मैक्सिमम इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, कुछ कुछ कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच ओनली इफ एच ग्रेटर देन इतना 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 इतना। चलो एक एक करके स्टडी करते हैं। ये आर वाई रूट टू का क्या चक्कर है जी, याद करो जब रिंग बता रहे थे उस टाइम पे, जब रिंग में बहुत सारी चीजों को स्टडी किए थे, बताया था रिंग के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेंटर पर जीरो होता है, इन्फिनिटी पर भी जीरो होता है, लेकिन एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग के कारण बताए थे, सेंटर पर जीरो, इन्फिनिटी पर भी जीरो, और आर बाय रूट टू पोजिशन पे मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इस रिंग को ऐसे करके देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमको पता है कि आर वाई रूट टू पोजिशन मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। हम तीन कंडीशन के ऊपर बात करेंगे एक एक करके, थोड़ा ध्यान से समझना, ये ठीक है ना। यहां तक एक्स इक्वल टू आर वाई रूट टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके बात कर रहे हैं, ये सवाल था, हम इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं, बगल में फिर से बनाते हैं। चलो लॉकडाउन में निधन, मतलब आराम करते करते थक जाते हैं जी, ठीक है। अब फिर थक जाओ तो फिर आराम करना पड़ता है, ये जिंदगी लग गया। तुम लोग कभी हल दीजिए बहुत आसान है सवाल, देखो ध्यान से और एनालाइज करना, क्योंकि जी में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह के क्रिटिकल एनालिसिस के सवाल बनते हैं जो आते हैं एग्जाम में, तो बस सिंपल अप्रोच है, सोचो और मचे लो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे करके हम एक पिक्चर बना दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि रिंग के सेंटर पर आकर के जीरो हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और इस पोजीशन पे हमको पता है कि मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक पार्टिकल ये ग्राफ बना दिया बगल में तुम्हारे लिए, ठीक है। रिंग तो समझ में आ ही रहा है, यहां पर ये रिंग है, ठीक है, और यहां पर हम पार्टिकल को रखा है वहां पर या यहां पर या यहां पर, हम तीन जगह रख सकते हैं, ये बात ही कर रहा है वो तीन चार जगह के ऊपर। एच इक्वल टू आर बाय टू भी दिख रहा है, एच जो है लेसर है आर बाय रूट टू से, और एच का भी आर बाय रूट टू से बड़ा है, और कहीं पर भी रख सकते हैं। चलो देखते हैं कहीं पर रख करके, हम ए पॉइंट मानते हैं एक, एक को बी पॉइंट कर रहे हैं, एक को सी पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ए पॉइंट पर देखो, तो अगर हम ए पॉइंट में बात करें, एट पॉइंट ए, ए पॉइंट को एनालाइज करना, तो अगर हम देखें ध्यान से, एम जी तो नीचे लग रहा होगा, और एम जी क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स है, क्यों कांस्टेंट है, मास भी नहीं बदल रहा, जी भी नहीं बदल रहा हाइट के साथ में, ठीक है यहां तक। और ऊपर की तरफ लग रहा है क्यू ई। अब इक्विलिब्रियम चेक करने का मतलब क्या होता है कि वहां फोर्स जीरो होना चाहिए, मान लेते हैं कि फोर्स जीरो है भी यहां पर, ठीक है, किसी तरह से ऐसे मेंटेन हो गया कि क्यू ई का वैल्यू जो है वो एम जी के बराबर है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये सवाल है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि वहां पर से थोड़ा सा भी अगर हम उसको डिस्प्लेस कर दें तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करे, और इसके कारण वो अपने ही मीन पोजीशन को फिर से अचीव कर ले। यानी कि हम इसको अब यहां से ए पोजीशन से, इस ए पोजीशन से इसको हिलाएंगे, या तो इधर या तो इधर, और अगर देखेंगे कि वो वापस आता है कि नहीं आता, अगर आ जाता है तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बैठा दिमाग में बात, बस ये करना है। अगर बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करो तो बस ये करना है, थोड़ा हिला देना बगल में, तब देखो क्या हो रहा है, बस। चलो हम इसको हिलाते हैं, इस ए पोजीशन से हम इसको, इस ए पोजीशन से हम इसको, अच्छा ए पोजीशन में क्या स्थिति है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जो मैक्सिमम है उससे तो कम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है ना, यहां पर क्या ई मैक्सिमम है, ये लेंथ हमारा हम बोल करके ना आर वैल्यू टू है, ठीक है, हमारा तो ये एच है, हम इसको हिला रहे हैं, किधर हिला रहे हैं, तो चलो नीचे के ऊपर तुम्हारी मर्जी, ठीक है, हम इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर नहीं गिना मचा, चलो ठीक है नीचे हिला देते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेकर के आए। अब बताओ क्या हो जाएगा, जैसे ही ये नीचे आ गया, ये ए पार्टिकल यहां था यहां आ गया,
एम जी अभी भी एक्ट कर रहा होगा, आप यहां पर E1 कर देते हैं और अभी भी QE1 नहीं लग करके QE2 लगेगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यूमेंट कम है, यानी ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स कम हो गया। हम कह रहे हैं कि यहां पर अगर इक्विलिब्रियम में था, इफ अगर ए पर इक्विलिब्रियम में है तो अगर जैसे ही हमने उसको डाउन किया तो QE कम हो गया, ये ज्यादा हो गया तो वो और नीचे ही आ जाएगा। नहीं आया, फिर सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि ए पोजीशन पे मान लो कि इक्विलिब्रियम में है और QE और MG बराबर है, QE1 बराबर MG है, और उसके बाद हमने इसको नीचे किया, जैसे ही नीचे किया तो MG तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो फोर्स भी घट गया, फोर्स घटा तो ऊपर का जो वैल्यू है वो कम हो गया, यानी जो खींच रहा था ऊपर उसको वही कम हो गया तो नीचे ही ना निकल लेगा। यानी इस कंडीशन में साफ दिख रहा है कि MG बड़ा हो गया QE2 से और ये इक्विलिब्रियम नहीं रहा। ठीक है, यहां तक एकदम आसान था, यानी कि ए पोजीशन पर हमारा इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व नहीं हुआ, यानी कि हम ये कंडीशन नहीं कह सकते कि एच जो है अगर लेसर रहे R/√2 से, ये कंडीशन तो फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं एच अगर R/√2 से ज्यादा हो जाए, है ना, वो भी चेक करते हैं, या फिर R/√2 पर ही रख लेते हैं, पहले बी पोजिशन पर रखते हैं। चलो अब बी पोजिशन बात करते हैं, एट बी पोजिशन बात करते हैं, बी पोजिशन पर फिर से बोलेंगे MG लग रहा है यहां पर लग रहा है QE, और ये मान लेते हैं कि बी पोजिशन पर इस बार इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, तो फिर से उसको नीचे ऊपर हिलाते हैं, चलो ठीक है नीचे ही लेके आएंगे, और जैसे ही नीचे लेकर के आओगे फिर से MG कांस्टेंट है, और जैसे बी से जैसे भी नीचे करोगे तैसे ही हमारा QE फिर कम होगा, तो बी पोजिशन पर भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यह भी मामला खत्म है, यानी कि एच इक्वल टू R/√2 पोजिशन ये फिजिबल नहीं है। अब देखो तीसरा सी पोजिशन पर, नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करना है वीडियो को, फिर से देखना सी पोजिशन को, थोड़ा एकदम सबसे अच्छे तरीके से ध्यान सी पोजिशन पे क्या हो रहा होगा। अगर हम सी पोजिशन की बात करें, सी पोजिशन पे बात करें, MG नीचे लग रहा है और QE ऊपर लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि इसको देखो ये QE, हम इसको इस बार नीचे लेकर के आते हैं, MG नीचे हो गया, लेकिन सी पोजिशन से जैसे ही तुम नीचे लेकर के आओगे, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, जैसे ही यहां पर लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने की तरफ जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, यानी कि इस बार जो QE लग रहा होगा वो ज्यादा हो गया है, ये QE1 है यहां पर QE2, यहां पर कह सकते QE2 बड़ा हो गया MG से, ये सी पोजिशन के बारे में बात हो रही है, यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा हो गया, हम इसको लेकर के आ रहे थे नीचे, जैसे ही नीचे खींचे तो QE2 ऊपर हो गया, तो फिर इसको वहीं लेकर चल गया, समझ में आती है। और अगर हम सी पोजिशन से ऊपर की तरफ चलो, यानी यहां पर रिस्टोरिंग दिखा, सी पोजिशन से अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा, MG तो नीचे लग रहा था और जैसे ही ऊपर गया, ऊपर लेके गए तो QE कम हो गया, और QE कम हो गया तो फोर्स ऊपर वाला कम हो गया, तो नीचे का MG बड़ा हो गया, हम लेके जा रहे थे ऊपर और MG बड़ा हो गया, इसका मतलब वो फिर से नीचे खींचेगा, यानी कि फिर से वो नीचे आ जाएगा, यानी कि सी पोजीशन पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम करेगा सी पोजीशन पर, यानी कि जब एच ग्रेटर देन दिस वन होगा तब हम कह सकते हैं कि यहां पर पार्टिकल SHM करेगा, एक कंडीशन ये भी बनेगा। दैट्स इट फॉर नाउ, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। भाई तुम लोग सवाल बनाओ जितना हो सकता है, ऐसी वर्मा से जितने क्वेश्चन होते हो सकते बनाओ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो हम ही करवा दिए, आज भी कम से कम 15-17 क्वेश्चन तो ही गया होगा, इन सबको डील करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा एक ये बात था कि 11th का क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, थोड़ा फिजिक्स पर थोड़ा ऑब्जर्व करो, और जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हो 11th के उनको भी इन लॉकडाउन में बोलो कि भाई अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, पढ़े स्टार्ट करें। ठीक है, हम तो हैं। ओके बाय।